मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो इसका दशमलव प्रसार करके देखते हैं, 731/625 625 की यदि हम खंड करें तो 625 5 की घात 4 प्राप्त होगा। 5 पंचा 25, पंचे 125, पंचे 625। तो यदि हम 2 की घात 4 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लें तो इस प्रकार से ये हमारा 2 की घात 4 अर्थात 16, 16 का गुणा करते हैं, 16 एकम 16 के 6 मिला, 16 48 और 48 49, 16 सत्ते 112, 4 हासिल जुड़े, 112 4 116 अपान 5 दुनाई 10 की घात 4 अर्थात ये हमारा 10,000 मिलता है। यानी 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 1.1696। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 4 प्राप्त होती है, अतः ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, बिंदुओं एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस वाई के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर अर्थात एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी ये बना 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। 4 कॉमन लिए वर्गमूल से बाहर लाएंगे तो 4 का वर्गमूल 2, 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अगला है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप सदैव 2Q+1 होगा, अतः ऑप्शन डी सही है। यहीं पर यदि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप पूछता तो वो सदैव 2Q होता है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3/2 और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2, तो ए और बी के मान क्रमशः होंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3/2, तो रूट 3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार से ए प्लस बी इक्वल टू 60 अंश, फिर आगे दिया है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2, तो काश में रूट 3/2 कॉस 30 अंश का मान होता है, तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। दोनों को सरल कर लेते हैं, बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 60 30 90, तो a बराबर 90/2 अर्थात 45 अंश। a का मान समीकरण 1 में रख दें तो 45 प्लस b बराबर 60 या b बराबर 60 माइनस 45, 60 से 45 घटाएंगे 15 मिल जाएगा, अतः a और b के मान क्रमशः
पैतालीस अंश और 15 अंश होंगे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, 1 - 10² 30 अंश अपान 1 + 10² 30 अंश का मान होगा। तो 1 - 10² 30 अंश का मान रखते हैं, तो 1 - 10 30 होता है 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर कर देते हैं, अपान 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। सरल किए तो 1 - 1/3 अपान 1 + 1/3, हल करेंगे 3 लाशा मिल जाएगा, तो 3 - 1 अर्थात 2 अपान, इसमें भी लाशा 3 मिला, 3 + 1 यानी 4, 3 कैंसिल कर दिए, आ गया 2/4 अर्थात 1/2, तो अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, यदि समीकरण x²-4x+k=0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। तो दिए हुए समीकरण में x के स्थान पर 6 रख देते हैं, तो देखते हैं हल करके क्या k का मान निकलता है। 6 का स्क्वायर -4×6+k=0। 6 का स्क्वायर 36 -4×6=24 +k=0। 36 से 24 घटाएं 12 +k=0। इस प्रकार से k = -12, अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होगी। मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो चूंकि दोनों का योगफल 24 है इसलिए x + y = 24, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। फिर कह रहा उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, पहली संख्या x दूसरी y, क्योंकि x y की 2 गुनी है इसलिए y को 2 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दें तो 2y + y = 24 यानी 3y = 24 या y = 24/3, काट देंगे 3 × 24, इस प्रकार से y का मान 8 मिल जाता है। इस मान को हम समीकरण 2 में रख दें, x = 2×8 अर्थात 16, इस प्रकार से दो संख्याएं 16 और 8 प्राप्त होती हैं, अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात में होगा। यदि पहले की भुजा A1 और दूसरे की संगत भुजा A2 माना जाए तो भुजाओं का अनुपात दोनों के क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात में मिलेगा, अर्थात 81 का वर्गमूल 9 और 121 का वर्गमूल 11। तो इस प्रकार से भुजाओं का अनुपात A1/A2 = 9/11, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है तो लंब की माप होगी। देखिए, ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज दिया है, मान लीजिए ABC समबाहु त्रिभुज है,
शीर्ष से आधार पर लंब डाल देते हैं, क्योंकि भुजा ए है इसलिए लंब डालने से आधार को समद्विभाजित कर देगा, ए बाई टू ए बाई टू में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से लंब की माप पूछ रहा तो AD बराबर बनेगा AD इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। सरल करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, घटा के सरल करेंगे लासा चार मिलेगा, चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी तीन ए स्क्वायर, वर्गमूल लिए तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए मिल जाएगा, तो रूट थ्री ए और चार का वर्गमूल दो, तो रूट थ्री ए बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू ए मात्रक ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, एक बटे दो सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा, क्योंकि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का मान रख दें 3 पाई इंटू, क्योंकि व्यास एक बटे दो है इसलिए त्रिज्या इसका भी आधा, तो एक बटे दो अर्थात 1/4 हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो इस प्रकार से मिल जाएगा 3 पाई अपान 4 का स्क्वायर किए 16 मिला। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 3 पाई/16 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। मान रख देते हैं पाई आर स्क्वायर त्रिज्या 6 है, 6 का स्क्वायर 36 इंटू थीटा 60 अंश बटे 360, 36 से काट दिए 36 दहम और एक जीरो कट गया, तो इस प्रकार से 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं, लंब भुजा की माप होगी। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है और इसमें कर्ण की माप दी है 7.5 और आधार है 4.5, लंब की माप पूछ रहा है, तो हम जानते हैं लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। मान रख देते हैं 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर, सरल किए दशमलव चाहे तो हटा दें बटे 10 मिल जाएगा, और सरल करेंगे 5 से काटते हैं 5 दुनाई 10, 5 एक कम 5 और 5 पचा 25, इसी प्रकार से 5 दुनाई 10, 5 नवा 45, तो ये हमारा प्राप्त हुआ 15/2 का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 225 बटे 4 माइनस 9 81/4, लाशा लिए 4 मिल जाएगा, 225 से 81 घटाएंगे तो इस प्रकार से 105 से 1/4 और 12 से 8/4, तो 144/4 जिसका वर्गमूल लेंगे तो लंब की माप आ जाएगी, तो लंब हमारा मिला
144 का वर्गमूल 12 और 4 का वर्गमूल 2 काट दिए, 2 6 12, तो इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर ये माप मिल जाती है। अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी की माध्यिका सीडी है, तो सीडी स्क्वायर का मान होगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज एबीसी में ये मानते हैं कोई समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी सी और सी डी के नाम माध्यिका है, ये हमने माध्यिका खींच दिया। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर यदि माध्यिका खींचते हैं तो ये लंब होती है और आधार को समद्विभाजित, चूंकि माध्यिका है मध्यबिंदु से जाएगी, इस प्रकार से चूंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए ए बी बी सी और सी ए तीनों मापे बराबर होंगी। अब हमको सी डी स्क्वायर निकालना है, जबकि ए डी की माप देखें तो ए बी का आधा, या कह सकते हैं ए बी का आधा मिलेगा। ए डी इक्वल टू मिलेगा हाफ ए बी, मान रख दें सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ए सी चूंकि ए बी के बराबर है, ए सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी 1/2 ए बी है, स्क्वायर करेंगे 1/4 ए बी स्क्वायर, लाशा लिए 4 मिलेगा, 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर यानी 3 ए बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से सी डी स्क्वायर का मान मिलता है 3/4 ए बी स्क्वायर। अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, 12 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल होगा। चूंकि हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्योंकि इसमें भारों का योगफल पूछ रहा है, तो इस प्रकार से यदि हम भारों के योगफल की बात करें तो भारों का योगफल बराबर होगा समांतर माध्य इंटू पदों की संख्या, मान रख देते हैं समांतर माध्य दिया है 45.6 इंटू संख्या 12 व्यक्तियों की बात कह रहा है, तो 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 6 72, 12 5 60, 7 हासिल मिलकर के 67 हो गया, 7 मिला, फिर 12 4 48 और 48 6 मिलकर के 54 आया, तो 543.2 किलोग्राम। देखते हैं 543.2 किलोग्राम ऑप्शन सी पर दिया है, अतः इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 3 4 6 और यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान होगा। देखिए, समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन, मान रख देते हैं समांतर माध्य 5 दिया है, पदों का योग यानी 3 + 4 + 6 + x अपान पद कुल 4 हैं, बटे 4 कर लिए, 4 5 20 इधर जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 6 13, 13 + x, इस प्रकार से x बराबर मिलेगा 20 - 13, 20 से 13 घटाए 7, अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न,
द्विघात समीकरण x माइनस वन अपान x इक्वल टू वन का विव्यक्तिकरण होगा। देखिए द्विघात समीकरण दिया है x माइनस वन अपान x इक्वल टू वन, इसका लाशा लेंगे तो x x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन या x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू x या x स्क्वायर माइनस x माइनस वन इक्वल टू जीरो। विव्यक्तिकरण निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए बी सी के मान रखेंगे तो देख रहे हैं समीकरण से a इक्वल टू वन, b इक्वल टू माइनस वन और c इक्वल टू माइनस वन, इन मानों को रखेंगे। b हमारा माइनस वन है, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए, ए का मान भी वन है, इंटू सी माइनस वन, सरल किए माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस माइनस गुणा किए प्लस और चार एक का गुणनफल चार, चार प्लस एक पाँच। इस प्रकार से विव्यक्तिकरण का मान पाँच प्राप्त होता है, अतः ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से एक मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। देखिए ये मानते हैं कोई आयत है, आयताकार खेत है जिसमें कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से एक मीटर अधिक है। यदि हम चौड़ाई को x माने तो लंबाई इससे एक अधिक अर्थात x प्लस वन होगी। आप क्योंकि आयताकार हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x प्लस वन इंटू चौड़ाई x इक्वल टू 30 के दिया है। सरल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x 30 भी इधर ले आए, माइनस में मिलेगा तो माइनस 30 इक्वल टू जीरो। अतः x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर जीरो, ये अभीष्ट द्विघात समीकरण प्राप्त होता है जो कि ऑप्शन सी पर दिया हुआ है, अतः प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं तो बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। क्योंकि हम जानते हैं बहुलक, बहुलक का प्रतीक यदि हम एम ओ लिखें, एम ओ इक्वल टू 3 इंटू माध्यक, माध्यक के लिए एम ई का प्रयोग करें, माइनस 2 इंटू माध्य, माध्यक में केवल माध्य में यम मान रख देते हैं, 3 इंटू माध्यक, माध्यक का मान दिया है 25.8, माइनस 2 इंटू माध्य है 26.1। सरल कर लें 3 8 24 और 25 3 75, 75 2 77 माइनस 2 2 6 12 यानी 26 2 52 घटाएंगे, 0.2 7 से 2 घटाएं 5 और फिर 7 से 5 घटाएं 2 तो 25.2 ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक है इसलिए बहुलक दिया हुआ है तो ऑप्शन डी सही है। इस प्रकार से ये है सभी प्रश्नों का हल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।